सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल फ्रॉम विद निकिता। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाली हूं माँ दुर्गा की ये प्यारी सी फेस आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आइवरी पेपर ले लिया है A4 साइज का, और मैं यहाँ पर मार्क कर ली हूँ कि कितना डिस्टेंस पे हमारा फेस ड्रॉ हमें करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रही हूँ फेस का, जो कि मैंने रफली ड्रॉ कर रही हूँ फिलहाल। बाद में इसको बिल्कुल फाइन तरीके से हम लोग ठीक करेंगे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फोटो। ओके, सो फिलहाल मैंने एक रफली ड्रॉ कर लिया, और अब मैं ऊपर के जो पार्ट था वो सब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक मुकुट वगैरह जो भी बन रहा था। अभी तो इनकम्प्लीट पार्ट था ना वो मूर्ति का, तो ये फिलहाल मैंने इतना अभी रेडी कर लिया। अभी हम फेस का पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आई से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये जो छोटा वाला आई होता है, सबसे पहले तो वो आप ड्रॉ कीजिएगा, जिससे कि आपको एरिया का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैंने राइट वाली आई अच्छे से ड्रॉ कर ली है, और साथ में गाइस मैंने आईब्रो भी ड्रॉ कर लिया है। एंड गाइस, देन अब मैं लेफ्ट वाली आई को ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, एक साइड अगर साइड फेस है ना, तो फिर एक साइड वाला कोई भी आपका आई थोड़ा सा बड़ा होगा और दूसरे साइड वाला छोटा होगा, माँ दुर्गा का फेस में चाहे कोई भी स्टैचू का फेस में, या फिर एज वेल ह्यूमन का फेस होगी। ठीक है, ये बात को नोटिस कीजिएगा। ओके गाइस, तो अभी जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कुछ कुछ चीज़ मिस्टेक्स है, तो वो चीज़ को सुधारते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि जो एंड में रिजल्ट मिलेगा ना, वो थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये गाइस, तो अब मैं जो तीसरी आग होती है माँ की, वो मैं बना रही हूँ। तो गाइस, यहाँ थर्ड आई भी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा जो टीका वगैरह है वो सब मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया, और साथ में अब जो नोज़ बनाने का ये जो ट्रिक है, ये आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फेस स्केच में आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर साइड नोज़ बना लिया है। एंड अब गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिनिशिंग टच दे रही हूँ, जिसमें कि स्टैचू का नोज़ थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ रहता है, लाइक खड़ा रहता है वैसे बोलते हैं ना, तो उस टाइप का मैंने यहाँ बना लिया। और अब मैं यहाँ पर लिप बना रही हूँ। लिप को बिल्कुल मतलब अच्छे से देख देख के बनाइएगा, क्योंकि मेन है माँ के फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, तो वैसा आपको बनाना है बिल्कुल बढ़िया। जरूर रेफरेंस फोटो को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, एंड देन फिर आप ये सारे के सारे आउटलाइंस को ड्रॉ कीजिए। सो फाइनली गाइस, हमारे जो फेस का जो पार्ट है वो हो गया है कवर। सो फाइनली गाइस, हम यहाँ पर एक फिनिशिंग टच दे रहे हैं, जो कि नोज़ में टीका और साथ में चेन में भी कुछ टीका था, तो वो मैंने दे दिया, और साथ में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स थे जो कि मैं कवर कर रही हूँ। सो फाइनली गाइस, हम यहाँ पर हैंड को ड्रॉ करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, कुछ इस टाइप से सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा पार्ट कवर करना है, एंड देन फिर थंब मैंने यहाँ पर बनाया, और अब मैं यही जो छोटी वाली फिंगर आपको रेफरेंस फोटो में दिख रही है, उस पहले फिंगर को हम बनाएंगे, एंड देन उसी के पीछे में उस बड़े वाले फिंगर को हम बना रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से हमने बना लिया, और अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस टाइप का शेप देंगे, मेन हैंड का जो शेप है रेफरेंस फोटो में उसके अकॉर्डिंग। एंड अब यहाँ पर जो भी रेखाएं वगैरह बनी हुई हैं उस रेफरेंस फोटो में, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। हमारा जो हैंड का शेप है वो हो गया है कंप्लीट। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ चारों के चारों साइड में। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ मार्जिन ड्रॉ कर लिया, और अब मैं यहाँ पर क्लोथ के फोल्ड्स बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको रेफरेंस फोटो में दिख रहा होगा, तो कुछ उसी टाइप से सारे के सारे पैटर्न्स को आपको फॉलो करते जाना है। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको सारे के सारे पैटर्न समझ में आएंगे, और आप ड्रॉ करते जाना। ठीक है, तो गाइस, जब तक ये ड्रॉ हो रहा था, तो मैं बता दूं चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है यही, जो माँ दुर्गा की मैंने आपको स्केच बना के दिखाई है ना, सेम यही वाली ड्राइंग को मैं पेंट करने वाली हूँ ऑयल पेस्टल कलर से। यस गाइस, और वो भी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी होने वाला है, और साथ में गाइस एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट। ओके गाइस, सो अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है या फिर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब पर घंटी को जरूर बजाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो एंड फॉलो मी। सो बाय फ्रेंड्स, जय माता दी।